Hello guys, thank you so much for clicking on this video. Ladies and gentlemen, in this session we are going to learn about the use of imperative sentences. Dosto, spoken English mein bahut hi easy sentences hote hain imperative sentence ke aur most of the time hum log isi ka use karte hain. Kuch examples dekhte hain, jaise maine sentence bola ki yahan aao, wahan jao, ye kaam karo, mere liye pani lao, school jao, doctor ke paas jao, mummy ko bulao, उन्हें कॉल करो. ये जितने भी हमने आपको सेंटेंस बोले हैं ये सभी के सभी सेंटेंसेस हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के. फॉर एग्जांपल हमने आपको सेंटेंस बोला कि इंग्लिश बोलो या इंग्लिश बोलिए, ये भी किसके हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के. अच्छे से पढ़ाई करो, ये भी किसके हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के. अब आइए हम लोग देखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं. दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस का आप यूज करते हैं ऑर्डर के लिए. किसके लिए? ऑर्डर के लिए. फिर आप यूज कर सकते हैं रिक्वेस्ट के लिए. देन आप यूज कर सकते हैं परमिशन के लिए. और फिर आप यूज करते हैं इसी का एडवाइस के लिए. दैट मीन्स इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज आप ऑर्डर के लिए कर सकते हैं, किसी को आदेश देने के लिए कर सकते हैं, रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं, किसी से अनुरोध करना है तो भी आप कर सकते हैं, परमिशन के लिए हमें किसी से अनुमति लेनी हो या फिर किसी को अनुमति देनी हो तो भी आप यूज कर सकते हैं. एडवाइस का मतलब होता है सलाह या सजेशन, तो उसके लिए भी आप यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का. आइए देखते हैं इसमें जो फर्स्ट रूल हम लोग यूज करने वाले हैं वो फर्स्ट रूल होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर आपको यूज कर लेना है अदर वर्ड का. दैट्स इट. ना तो इसमें हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, ना तो हमें इसे किसी भी काइंड ऑफ सब्जेक्ट या कोई और भी चीज आपको यूज करनी है. देखेंगे आप कैसे. जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि यहां आओ, यहां आओ, तो सबसे पहले आपको मेन वर्ब यूज करना है. मेन वर्ब का आप सीधा सीधा मतलब ये होता है, आप याद रखेंगे उसका मतलब होता है काम. जैसे इस सेंटेंस में आना क्या है? काम है. तो यहां पर हो जाएगा काम और यहां के लिए क्या होता है? हमने आपसे ये बोला कि इंग्लिश सीखो या फिर इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो. अब यहां पे आप बताओ काम क्या है? बोलना. और बोलना को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीक. तो ये हो गया आपका स्पीक और इंग्लिश है तो इंग्लिश. बहुत ही सिंपल रूल है और मैक्सिमम हम लोग डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं. राइट. जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि स्कूल जाओ, गो टू स्कूल, मम्मी को कॉल करो, कॉल मदर, पापा को बुलाओ, कॉल फादर, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, अच्छे से बैठो, सिट प्रॉपरली, अच्छे से बात करो, टॉक प्रॉपरली, मेहनत करो, वर्क हार्ड, इंग्लिश सीखो, लर्न इंग्लिश, यहां आइए तो क्या होगा? कम हियर. वहां जाइए तो क्या होगा? गो देयर. राइट. फोन चलाओ तो क्या हो जाएगा? ऑपरेट फोन. लाइक करो तो डू लाइक आप बोल सकते हैं या फिर लाइक का मतलब भी होता है लाइक करना. सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? डू सब्सक्राइब या फिर सब्सक्राइब का मतलब भी क्या होता है? सब्सक्राइब करना. दोस्तों इसको आपको प्रैक्टिस करना है. खुद से आप कुछ सेंटेंस लिखेंगे फिर उसको आप ट्रांसलेट करेंगे. रूल बहुत ही सिंपल है. नेक्स्ट में हम आपको बता देंगे कि जब हमें इस टाइप के सेंटेंस बोलना हो यहां मत आओ, यहां मत आओ, तो फिर आप किसका यूज करेंगे. या फिर कभी कभी हम इसी सेंटेंस को बोलते हैं यहां नहीं आओ. तो अगले सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मत हो या फिर नहीं हो तो आप किसका यूज करेंगे. इट्स ऑल फॉर टुडे.